corruption. Infrastructure. Health. Gender. Environment. Development. Conflict. Caste. Art and culture. Education. Corruption. Development. Health. Infrastructure. Education. Conflict. Environment. Art. Development. Corruption. आबादी वाला क्षेत्र होते हुए भी शौचालयों की अव्यवस्था होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसके कारण लोगों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यह समस्या पूरे क्षेत्र में है, यहाँ नालियों के जरिए लैट्रिन बहती है, इसके कारण मार्ग से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेन बाजारों में शौचालय नहीं हुए हैं, जिससे महिला एवं पुरुष गलियों में शौच करने जाते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने सीवरेज लाइन के लिए नगर पालिका में भी लिखकर भेजा, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। चुनाव के समय वादा करते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। इधर लेटरिंग भर रही है, देखो कितना गंदगी खाना है, उधर लेटरिंग से आ रही है, उधर तुम उसको वोट ही क्यों देती हो फिर? जब क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, किसको वोट दें, कैसे वोट दें, हैं? तो गरीब आदमी जो हमें जिधर ले जाए जिधर ही चले जाए, हम सुनवाई कोई करते नहीं, कह देते हैं कि हाँ करवाएंगे, वादा हमारा वादा कर लेते हैं और फिर करवाते नहीं कुछ भी। यहाँ पे शौचालयों की अव्यवस्था है, उसके बारे में आप कुछ जवाब देंगे मेरे लिए? शौचालय की व्यवस्था का एक जगह नहीं मिली उनको बनाने के लिए। अच्छा, काफ़ी कोशिश करी लेकिन जगह झाझा मिली है, वहाँ तो बना दिए, जगह नहीं मिली है। और यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, सीवरेज लाइन का और उसका तो यूआरडीपी कौन सी जो है उसे ठीक हो सकती है। अच्छे शौचालय की तो लिस्ट बढ़ा रखी है, अभी तो कोई हमारी नज़र में आ नहीं रहा है। क्या चीज़ नज़र में नहीं आ रही है? अच्छे शौचालय नहीं आ रहे हमारी नज़र में, नहीं आए आपको? होने के कारण मार्ग गंदा रहता है, रास्ते से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस चीज़ पर नगर पालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना यहाँ पर सीवरेज लाइन डलवाई गई है, जिसके कारण मार्ग पर पर्यावरण प्रदूषित होता है। राजस्थान के करौली जिले से मैं सुनीता कसेरा, इंडिया।